कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को श्यामला हिल स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। दिग्विजय सिंह के साथ उनकी पत्नी अमृता सिंह मौजूद रही। इस दौरान पूर्व सीएम ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ की घटना को लेकर ईवीएम पर निशाना साधा। दरअसल राजगढ़ के एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 11 वोट डाले गए थे, लेकिन ईवीएम में 50 वोट दिख रहे थे। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि यही तो ईवीएम का चमत्कार है। वहीं मतदान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता मोदी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट कर रही है। मतदान के पहले दिग्विजय अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। मतदान के बाद दिग्विजय सिंह जय बजरंग बली के नारे लगाते भी नजर आए। बात यह है, ये संसदीय प्रणाली से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राजगढ़ से उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं या रोलमल नागर हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी को उनके ही चुने हुए उम्मीदवारों पे भरोसा नहीं है, तो 543 सीट पर मोदी खुद लड़े, क्यों नहीं लड़ते? लड़े, संविधान में इसको अधिकार उनको है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।